वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं एकदम सुबह सुबह उठ के नहा के गुड गर्ल बन चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल जगह जाना है। आज जाना है हमारे बंगाली का न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने, जिसको कहते हैं बंगाली नववर्ष। तो ये कुछ बांग्लादेशी लोगों का जो प्लान था वो लोग कुछ ऑर्गेनाइज किया है। अराउंड 50 लोग आएगा, तो आई गेस मोस्ट ऑफ देम वुड बी बांग्लादेशी ओनली। हम लोग इंडियन हैं लेकिन बंगाली है, इसलिए हम लोग उन लोगों को मैसेज किया था, कांटेक्ट किया था, तो वो लोग हम लोग को अलाउ तो किया। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं हम लोग, तो अभी जाना है वहाँ। तो यहाँ से ऑलमोस्ट एक घंटा तो लग ही जाएगा जाने में। तो अभी बज रहा है सुबह का 10, एक्चुअली 10:30 बजे तक निकलना है, क्योंकि वहाँ पे 11:30 के आसपास पहुँचने का टाइम दिया हुआ है। कुछ खाने वाने का इंतज़ाम होगा, कुछ ऐसे बहुत लोगों से नए नए लोग देखेंगे, पता नहीं कितने इन्जॉय कर पाऊँगी क्योंकि किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो फिंगर क्रॉस्ड कि इन्जॉय हो। कुछ गेम्स भी होगा, मैं वहाँ पे जाके सब व्लॉग करने की ट्राई करूँगी। तो या लेट्स गेट रेडी, माय फेस इज रेडी। अभी लिपस्टिक पहनूंगी, बस उसके पहले ट्राई कर लेते हैं कौन से वाला कपड़े पहनूं। आई एम नॉट श्योर कौन से वाला मुझे अच्छा लगेगा अभी, तो ऐसे ट्राई कर लेते हैं। अभी पहुंच गया एक पार्क में जहां बंगाली न्यू ईयर की एक इवेंट होने वाला है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है बीजिंग में रहने वाला बांग्लादेशी कम्युनिटी। एक्चुअली आज 5 मंथ्स हो गया हम लोग किसी भी बंगाली फैमिली से मिला ही नहीं, इसलिए वी डिसाइडेड कि जाना चाहिए। एंड ये जो फुटेज देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद का है। यहाँ पे सभी किसी ना किसी को पहचानते थे पहले से, बस हमें छोड़ के। तो पहले थोड़ा सा अफसोस होने लग गया था कि आने का डिसीजन सही नहीं था। फिर मिला 2 फैमिली से, एक बांग्लादेशी एंड दूसरा पाकिस्तानी। दे आर सो स्वीट, उन लोगों से बात करने के बाद तब जाके वी एन्जॉयड। फिर आया लंच टाइम। लंच में था भुना खिचड़ी, चिकन करी, एग मसाला, खीर राइस, फ्रेश वेजिटेबल कर्ट, वाटर एंड जूस। तो खाने के टाइम पे मैं कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता वो, एक तो किसी को पहले से नहीं जानती हूँ और वहाँ पे हर वक्त मैं वीडियो नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा मैं फुटेज ले पाई वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड खाना खाने के बाद फिर शुरू हुआ गेम्स वगैरह। ये पिलो पासिंग गेम में सबसे ज्यादा सब लोग एंजॉय किया। Hey, 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 hey
सब लोगों के लिए अलग अलग गेम था। लेडीज़ के लिए ये पिलो पासिंग था एंड जेंट्स के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, इवन बच्चों के लिए तो एज वाइज अलग अलग था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में एंजॉय हुआ था। एंड द विनर इज दिस चाइनीज भाभी। ये जो बच्चा है ये पाकिस्तानी फैमिली का बच्चा है, तो ये इतना क्यूट है, उसको तो मैं बहुत पसंद आ गई थी। वो बार बार बोल रही थी कि उसे मैं बहुत ब्यूटीफुल लगी। ही इज सो क्यूट। ये जो गेम था ये जेंट्स लोगों के लिए था, इसको कहते हैं बंगाली में हाड़ी भांगा। हाड़ी मीन्स मटका, बट देयर इज नो मटका। एंड नेक्स्ट इवेंट इज सिंगिंग कंपटीशन, जिसमें बहुत मजा आया था सबको। यहाँ पे जो चाइनीज लोग घूमने आया था वो सब काज काम छोड़ के बस हमें ही देख रहे थे। हम जानो की बसंत काले तुमाई बोलते पारिनी, बसंत काले तुमाई बोलते पारिनी, सदा सदा काला काला रंग जमे सदा काला, सदा सदा काला काला रंग जमे सदा काला, होइछि आमि मन पागला बसंत काले तुमि बंधु काला पाखी, ओ आमि पाखिर मतो उड़े उड़े बेड़ाई सारा खो, एमन यदि होतो आमि पाखिर मतो उड़े उड़े बेड़ाई सारा खो। वीडियो में जितना पॉसिबल हुआ रॉ रखने की कोशिश किया क्योंकि मुझे सब कुछ दिखाना था। एंड इस इवेंट के बाद एक रफल ड्रॉ करके एक इवेंट था एंड उसके बाद ये ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों से मिला, नए नए लोगों से बातें हुआ एंड या दैट्स इट।
एंड ये ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से घूमने निकले। थोड़ा सा मुझे फ़ोटो भी खींचना था और कुछ रील्स भी बनाना था, इसीलिए ये पार्क बहुत बड़ा है और बहुत ब्यूटीफुल सा है। आज तक बीजिंग में किसी भी पार्क में इतना ज़्यादा लोग नहीं देखी। इट वॉज़ वीकेंड बट ये पार्क बहुत बड़ा है, लेकिन हर एक जगह पे जहाँ भी जा रही हूँ इतना ज़्यादा लोग। ये जो पार्क है एक पिकनिक स्पॉट टाइप का जगह है। हर एक जगह पे देख रही हूँ बहुत सारा टेंट है, टेंट लगा के सब लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारा खाना सब लोग घर से लेके आए हुए हैं, खाना खा रहा है, बियर पी रहा है एंड एंजॉय कर रहा है। एंड बहुत सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पे जो फ़ोटो खींच रहा है। ज़िंदगी में मज़े तो कर रहे हैं लोग। एंड देन वी आर डन विथ एवरीथिंग एंड बहुत टायर्ड भी हो गए थे तो पार्क से निकल गए एंड पास वाले जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ आ गए। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर किधर किधर, उधर देखो। एंड देन घर आने के बाद ये बॉटल अनपैक किया, ये एलईडी बॉटल है, वहाँ से ही दिया हुआ है, हर एक जो अटेंड किया सबको दिया हुआ है। एंड दैट्स इट माय टुडेज व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।